भैया वेब जी के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया बट फिर भी क्या हम एक अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं लास्ट 7 दिन के अंदर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर तुम ये वाला चीज को फॉलो आउट करते हो तो तुम अच्छा नंबर लेके आ सकते हो, क्या तुम मेरे बात को बिलीव करोगे? राइट। तो यार आज हमारे साथ, मतलब हम तो बताने नहीं वाले यार, आज हमारे साथ एक बहुत बढ़िया सर जुड़ने वाले हैं जिसका नाम है अमित कुमार सर, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री का फैकल्टी है। बहुत सारी जगह में उन्होंने क्लासेस लेके रखे हैं, माहेश्वरी, मतलब बड़े बड़े जगह में, ठीक है, वो मैं नहीं बोलने वाला, सर खुद बोलने वाला है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड एक बात सुनो यार, पिछले कुछ साल से ना सर के पास पढ़ के यार रैंक 4, रैंक 8, रैंक 6, रैंक 26, रैंक 32, मतलब इस भयंकर रैंक, मतलब 100 के अंदर रैंक, 50 के अंदर रैंक आ रहे हैं। तो समझ पा रहे हो सर किस लेवल के टीचर है। तो देखो यार सर, जो भी यार बोल दे इसको फॉलो आउट करना। आज सर बात करने वाले केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के ऊपर। अगर तुम और भी यार वीडियोस चाहते हो सर से यार कमेंट करना, बाकी तुम्हारे भैया तो है वो तो हर एक चीज करवा देगा ही, बट फिर भी यार सर जो भी यार बोल दे इसको फॉलो आउट करना, लास्ट 7 दिन के लिए फॉलो करना। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना यार, फिर भी तेरे को अच्छा नंबर, एटलीस्ट जो सर बोल रहा है अगर उतना भी टॉपिक तो देख के जाएगा, तेरे को अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अमित कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, अपने बारे में कुछ आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर हम टॉपिक्स पे आएंगे। इससे पहले हम श्री चैतन्य और एजिलेंस में हम क्लास ले चुके हैं, नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ एजिलेंस एंड श्री चैतन्य, ठीक। अभी हमारे खुद के इंस्टीट्यूट है SS क्लासेस पटना नियर एम्स, ठीक है। आज हम आपको वेस्ट बंगाल जेल के बारे में, ठीक है, कैसे तैयारी करें शॉर्ट टाइम में। आपका एडमिट कार्ड इशू हो गया होगा, 30 अप्रैल को एग्जाम है, तो आप लास्ट मोमेंट में, ठीक है, कौन टॉपिक को आप ज्यादा ध्यान दें जिससे आपका स्कोर जितना ज्यादा अच्छा से अच्छा हो सके, ठीक है। लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट टॉप 100 में 3 बच्चे थे, ठीक है, एंड टॉप 1000 में हमारे स्टूडेंट 7 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो ये लास्ट टिप्स है जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए आपको पता है केमिस्ट्री 3 भाग में बांटा गया है, एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और एक टर्म और ऐड किया गया है, जनरल केमिस्ट्री बोला गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जनरल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री को हम लोग इसी 3 टर्म में, हम लोग 3 पार्ट में हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। हम सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है जो स्कोरिंग है, आपको इसमें क्या है, टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन बनाने में या इसको पढ़ने में, क्योंकि इसमें अगर आपको जो आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन करना है या कुछ चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे, वो टॉपिक आप लास्ट मोमेंट पे पढ़िएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन आप मैक्सिमम 80% क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आ जाइएगा, ठीक है। इसमें 11 का कुछ पोर्शन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पूरा चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पे से लिखे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो वो कम क्वेश्चन रहेगा, इसके प्रॉपर्टी भी यहाँ डील करते हैं। अगर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसमें 4 प्रॉपर्टीज जनरली आपको देखने को मिलता है। एक आता है क्या, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, दूसरा आपका आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड एक लास्ट आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम आपको शॉर्ट टर्म में लिख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी रकम में ठीक और बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इन थैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ये 3 प्रॉपर्टी आपके जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इन 3 प्रॉपर्टी क्वेश्चन हर साल कुछ क्वेश्चन आता है, और ये आपका पूरे इनऑर्गेनिक का एक बेस है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको इस टॉपिक में पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप कवर कर लीजिएगा, एटॉमिक साइज भी है, ठीक है, आप बहुत कम समय लगेगा, एनर्जी एफिनिटी एंड एनर्जी, ये 3 प्रॉपर्टी है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा, कुछ थ्योरी पर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका सबसे मेन टॉपिक आते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। ये बिना पढ़े आप केमिकल बॉन्डिंग समझ नहीं सकते हैं या क्वेश्चन बनाने में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और केमिकल बॉन्डिंग आप बहुत ज्यादा आपको बेस्ट बना लीजिए नहीं पढ़ना, जैसे बेंट रूल, ड्रैगो रूल, ठीक है, बैक बॉन्डिंग, ये सब आप बेस्ट बना लीजिए के लिए आप छोड़ के जा सकते हैं, जो नॉर्मल हमारा एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जैसे थ्योरी पर हम बात करें, जो 2-3 थ्योरी है, एक
वीवीपी थ्योरी, ठीक है, एक मार आपका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीवीपी थ्योरी, दूसरा आपका वेस्पर थ्योरी, क्या है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वेस्पर थ्योरी है, ठीक है, ये दो थ्योरी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और इसी थ्योरी का आता है क्या एमओटी थ्योरी, एमओटी, ठीक है, मतलब ये तीन थ्योरी भी आप पूरे चैप्टर वन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने जाने थ्योरी है आपका एमओटी, देन आपका वेस्पर थ्योरी, ठीक है, वेस्पर थ्योरी का एमओटी से क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पूछा है, और एक बार चैप्टर वन का अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको सबसे नीचे ब्लॉक दिए हैं ना, इस ब्लॉक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है और क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इससे आप चैप्टर वन अच्छे से पढ़िएगा तो आपका ब्लॉक का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ब्लॉक आपको इस समय ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग फिजिकल में भी कई लोग काउंट करते हैं, कैटी आपको बोलेंगे रिडॉक्स आपके फिजिकल का चैप्टर है, पर हम इसको इनऑर्गेनिक मानते हैं क्योंकि रिडॉक्स का सिर्फ एक पोर्शन जो है टाइट्रेशन वो फिजिकल में आता है, जब हम फिजिकल के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, पर हम लोग रिडॉक्स को इनऑर्गेनिक मानते हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ना रिडॉक्स में काफी हेल्प करेगा, और बाकी अगर यहां ले लेते हैं ब्लॉक का आपका केमिकल बॉन्डिंग और रिडॉक्स ब्लॉक खत्म कर देगा आपको, ठीक है, बैलेंसिंग आपको नहीं आते हैं, ठीक है, बोर्ड के लिए बैलेंसिंग था, बैलेंसिंग है जरूरत आपका नहीं है, इसमें आपको सिर्फ यही पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर और एक पार्ट है उसका, ठीक है, ट्रांजिशन वगैरह ऑफिशियल का पार्ट है, जब यहाँ पे आएंगे तो वापस रिडॉक्स के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे कि और क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना है, और एक ट्वेल्थ का इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्वेल्थ का वो आपका है इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे हर सब क्वेश्चन आता है और बच्चों से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए क्योंकि इसमें फिक्स है क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन आता है इसके अंदर भी थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग जैसा है, अगर हम आपके पर्टिकुलर टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी वीवीपी थ्योरी, क्या है आपका वीवीपी थ्योरी, ठीक है, और एक आता है क्रिस्टल फिल थ्योरी, क्रिस्टल फिल थ्योरी इसको बोलते हैं सीएफटी, डीवीटी और क्रिस्टल फिल थ्योरी में हम लोग पूरा पर्टिकुलर कंपाउंड कवर करते हैं, आइसोमेरेज भी है इसके अंदर, आइसोमेरेज पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जो बच्चे हैं इस चैप्टर को सही से नहीं पढ़े हैं तो इस कंडीशन पे आके आप आइसोमेरिज्म छोड़ सकते हैं, और डीवीटी क्योंकि इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है डीवीटी के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आता है, शेप निकालने के लिए आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए आता है, उस कंपाउंड का स्पिन निकालने के लिए आता है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये निकालने के लिए डीवीटी आता है, क्रिस्टल फिल थ्योरी में आपका मात्र दो ही टॉपिक पढ़ना है, दो ही आपका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एक आपका ऑक्टोहेड्रल दूसरा आपका टेट्राहेड्रल, इसके अंदर से दो टॉपिक पर डीवीटी आप दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका पॉइंट का मार्क क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी इन और गेम के आपके पास क्या क्या है एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग रिडॉक्स रिएक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड अगर आपको इच्छा है समय बचता हो तो ब्लॉक का एफ पी डी एफ ब्लॉक पढ़ते हैं, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक ए ब्लॉक, उसका थ्योरी मत पढ़िए, उससे आप रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए डिफरेंट डिफरेंट बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जे मेंस का आप बना सकते हैं, इस टाइम आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पी ब्लॉक क्वेश्चन उठाइए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे बना देंगे, लॉजिकल के साथ साथ कुछ आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो आप नहीं लेना है, ब्लॉक में सिर्फ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, थ्योरी मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं होगा लास्ट टाइम में आप, ठीक है, सिर्फ समय खाएगा, ठीक है, ये आप पूरे इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आप इनऑर्गेनिक का पोर्शन आप कवर कर लिए, ठीक है, कुछ चैप्टर डब्लू बंगाल जे में डब्लू पर जे में आपका टेंथ का भी टॉपिक रहता है, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपके 11th चैप्टर का टॉपिक नहीं है, 10th की टॉपिक है, फिर भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हम वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 10th का कौन सा केमिस्ट्री का चैप्टर आपको पढ़ के जाइएगा, 10th से रिलेटेड पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिजिकल के बारे में बताएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ के बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद इससे कितना आपको हेल्प मिला, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे।